शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें। बेटा हम समझते हैं तुम्हें श्रवणी की बहुत चिंता है, पर खाने से नाराजगी, हमने अपना सामान बांध लिया है, बस कुछ ही घंटों की बात है, उसके बाद हम सब यहां से चले जाएंगे। तुम खाना खा लो बेटा। श्रवणी, श्रवणी कहाँ है? उसने खाना खाया? पता नहीं, हम श्रवणी को देख कर आते, फिर साथ में खाना खा लेंगे। क्या हम ऐसा कैसे कर सकते हैं? नहीं कर सकते? हाँ, तुम्हें करना पड़ेगा। हम कह रहे हैं तो तुम्हें करना पड़ेगा। तुम आज वही करोगे जो हम कहेंगे, तो चलो जल्दी इसको कमरे से बाहर निकालो। सुटी, वो माँ बनने वाली है, चक्कर खा के गिर गई थी वो, और ऐसे में हम उसे धक्का कैसे दे सकते हैं? अच्छा ठीक है, धक्का नहीं मार सकते, पर हाथ पकड़ के कमरे के बाहर तो निकाल सकते हो ना। चलो बाहर निकालो अभी के अभी, हमें इस कमरे में सुहागरात भी तो मनानी है। ये क्या बदतमीजी है? क्या हुआ? खड़े खड़े क्या देख रहे हो? बंद करो दरवाजा। हम कह रहे हैं ना, दरवाजा बंद करो। कहाँ जा रही हो? अरे भूल गई क्या, आज हमारी सुहाग रात, चलो हमें गले लगाओ। क्या हुआ? गले लगाओ। अरे भूल मत जाओ, आज हमें वैसा ही करना पड़ेगा जैसे हम कहेंगे। चलो गले लगाओ।
अच्छे से गले लगाओ। इसकी सजा ये है कि अगले 24 घंटे तक तुम हमारी बेटी की चाकरी करोगी, उसकी नौकरानी बनकर रहोगी। खड़े खड़े क्या देख रहे हो? हम कह रहे हैं ना, दरवाजा बंद करो। हमारा एक काम करना है तुम्हें, पैसों की चिंता बिल्कुल मत करो, बस काम हो जाना चाहिए। चलो अब सो जाओ। तुम सो जाओ चैन की नींद। एक निर्दोष को इतना अपमानित जो किया तुमने, अपमानित किया हमने? शिवांश, तुम कभी हमारी फीलिंग्स को समझते ही नहीं हो। हम तुमसे इतना प्यार करते हैं, लेकिन तुम हो कि उसे भूल ही नहीं पा रहे हो। तुमने तो छोड़ा था ना उसे, और हमारी इस मांग में सिंदूर तो तुम ही ने भरा था। इसकी कोई अहमियत है भी कि नहीं, बताओ बताओ ना। तुम अगर हमारी जगह होते तो क्या करते? बताओ ना शिवांश, क्या करते? जवाब दो। तुम ठीक कह रही हो स्वीटी, हमने तुमसे शादी तो कर ली, लेकिन तुमको अपना नहीं पा रहे हैं। अरे हम तो जिंदा ही तुम्हारी वजह से हैं। पहले तुमने हमारे किडनी के इलाज के लिए इतने सारे पैसे दिए, और अब हमारे कारोबार के लिए तुमने अपनी आखिरी पूंजी तक हम पर लुटा दी। और एक खाम है जो तुम्हें प्यार के दो पल नहीं दे पा रहे। सो जाओ स्वीटी, कुछ बातें वक्त के साथ ही बदल पाती हैं। लेकिन शिवांश, हम तुमसे बहुत प्यार करते, बहुत बहुत प्यार करते। अम्मा, अनुमति दीजिए। अम्मा और रोहन के साथ हमेशा के लिए घर छोड़कर जा रहे हैं। आज्ञा दीजिए अम्मा।
श्रवणि घर छोड़कर जा रही है। हाँ, सच्ची? यकीन नहीं हो रहा है, तो चलिए हमारे साथ और देखिए, वो रोहन के साथ घर छोड़कर जा रही है। चलो चलो चलो, जल्दी चलो। आप ऐसे बिना बताए? परेशान मत हो ना, ये बच्चा आपका ही है शिवांश, बड़े जतन से पालेंगे इसे, इस बच्चे पर पूरा अधिकार होगा आपका। रुके, आज हम आपको बंदूक की नोक पर नहीं रोकेंगे। हाथ जोड़कर विनती कर कर रोके, हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। हमारे बच्चे को हमारी आंखों के सामने रहने दीजिए। आज हम जो कुछ भी कर रहे हैं, जो कुछ भी बन रहे हैं, किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। अरे हम तो मौत से लड़ के आए, किसके लिए? अपने बच्चे के लिए। हम हाथ जोड़ते हैं आपके सामने, हमसे ये हमारी खुशियां मत छीनिए आप। हम जी नहीं पाएंगे, हम मर जाएंगे चलने। हाँ, ताकि ये तुम्हारी सेहत से जा सके। तुम्हारी पत्नी चाय गिराए और ये अपने आंचल से उसे साफ कर सके। आप लोगों के मनोरंजन के लिए पैरों में घुंघरू बांधकर नाचे और इस पर नोट उड़ाए जाए। जब कोई तमाशा करने के लिए ना बचाओ तो इसे अपने कमरे से निकालकर जलील करने के लिए, है ना? रोहन, सजा तो हम भी भुगत रहे थे इनके साथ। हमने जो कुछ भी किया अपनी मर्जी से नहीं किया, ये जानती है ये बात? जानती है, और ये भी जानती है कि उसके साथ इनमें से कुछ भी नहीं होता अगर तुम उसे इन हालातों में लाकर मजबूर ना करते। वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ना चाहती है, तो स्वार्थी मत बनो, उसे खुशी खुशी इस घर से जाने दो। देखो, हम स्वार्थी कैसे ना बने, हम बाप है इसलिए हम स्वार्थी बन रहे।
लेके हम आपके आगे हाथ जोड़ते हैं। ये घर छोड़ के मत जाइए, हमको हमारे बच्चे से दूर मत कीजिए, हम जी नहीं पाएंगे। हम विनती करते हैं आपसे, रुक जाइए। ये बौखला बौखला गया का बंदूक की नोक पर बात मनवाने वाला लड़का पैरों में बैठकर श्रवणी के गिड़गिड़ा रहा है, ये पलट कैसे गया? जानते हैं कि हर सवाल का जवाब आप नहीं दे सकती, कुछ फैसले हमें करने होंगे। शिवांश और हमारा मिलना लिखा ही नहीं था, तो आप ही बताइए हम क्या फैसला लें। इस बेटी को बस इतना बताइए कि हमारे बच्चे के लिए क्या सही है। आपको कसम है उस सिंदूर की जो आपने आशीर्वाद की तरह हमें दिया। श्रवणी बेटा, क्या सोचा तुमने? हम अपने बच्चे को उसके पिता से अलग नहीं कर पाएंगे। तो है, हम जानते, हमने तुमसे कहा था कि हम चल देंगे यहां से, लेकिन श्रवणी, इट्स ओके, आई अंडरस्टैंड। तुम्हारा जो भी फैसला होगा हमें मंजूर है। देखा मम्मी, फिर से रोक लिया। पता नहीं अब क्या होने वाला है आगे। ये एहसान कभी नहीं भूले। हम आपसे वादा करते हैं इस घर में अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ना कोई कलंक, ना कोई जिल्लत। A
अब हम उम्मीद करते हैं कि अब इस घर में सब लोग सुख शांति से रहेंगे। अगर कोई कलेश हुआ तो याद रखना, हमने श्रवणी के लिए क्या क्या नहीं किया, बिछा दिया खुद को उसके सामने ताकि वो जीवन में आगे बढ़ सके, इस उम्मीद में कि कभी ना कभी तो वो हमारे प्यार को समझेगी, लेकिन उसके बदले हमें ये सिला मिल रहा है। ये लो, एक नई शुरुआत करो। अच्छे से समझ गए कि अगर हमें श्रवणी के प्यार को पाना है तो हम किस्मत या किसी चमत्कार के भरोसे नहीं बैठ सकते, जो करना है हमें खुद ही करना होगा। आज डॉक्टर के पास जाना है ना? हम दोनों वहीं जा रहे थे। अगर तुम बुरा ना मानो तो हम ले जाएं डॉक्टर के पास। अगर शबनी चाहे तो रोहन आज शिवांश के साथ चले जाए। हमसे हाथ मिलाओगे ना, इस जंग का अंजाम बहुत अलग होगा। आपकी अपनी श्रवणी का हौसलों भरा सफर देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।